नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे फॉग मशीन के बारे में। सभी डीजे वाले भाई सोचते होंगे कि फॉग मशीन अपने सेटअप में लगाएं, तो आज इसी के रिव्यू करने वाले हैं और आप लोगों को बताएंगे कि आप ये फॉग मशीन कितने में खरीद सकते हैं और कितने वॉट की फॉग मशीन खरीदनी चाहिए, तो सारी डिटेल इस वीडियो में देंगे। और सभी भाई सोचते होंगे अपने डीजे सेटअप में लगा के इसको चार चांद लग जाते हैं, तो सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने डीजे सेटअप या इवेंट प्रोग्राम में इस फॉग मशीन को जरूर लगाएं। दोस्तों ये फॉग मशीन काफ़ी पुराना ही है, मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो इस आज इसी फॉग मशीन का मैं रिव्यू करूँगा और ये किस कंपनी की तरफ से आता है, कितने वॉट का है और साथ ही साथ इसका प्राइस बहुत महंगा नहीं है, हम बताएंगे इसके प्राइस के बारे में भी, तो वीडियो में बने रहें। और इसको आज हम खोल के भी आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कौन सा इक्विपमेंट लगा है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपको लिक्विड कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड किस कंपनी का यूज़ करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, तभी फॉग मशीन परफॉर्मेंस अच्छा दे पाती है, तो ये भी हम आपको बताएंगे कौन सा लिक्विड आपको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इस फॉग मशीन का क्लोज लुक। देख सकते हैं आप, ये फ्रंट में इसका नोज़ल है जहाँ से ये जो है फॉग को प्रेशर देता है और बाहर निकलता है, और ऐसा कुछ डिज़ाइन देखने को आपको मिल जाता है। ये स्टैन कंपनी की तरफ से आता है। ये फॉग मशीन 1200 वाट है, इसका मॉडल नंबर Z1200 है, आप देख सकते हैं। और ये इसका बैक व्यू है, ये पावर ऑन ऑफ बटन हो जाता है और ये कंट्रोल के लिए जो है 2 XLR दे रखे हैं। यहाँ पे पावर इनपुट होती है, पावर केबल लगती है। और ये दूसरी साइड भी इसके सेम ऐसा ही है, मॉडल नंबर दिया हुआ है, स्टैंड की ब्रांडिंग दी हुई है। इसका प्रेशर देख लेते हैं एक बार कि इसका प्रेशर कितना है। दोस्तों इसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं स्टैन का फॉग लिक्विड, जो कि स्टैन कंपनी की तरफ से ही आता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब भी किसी भी फॉग मशीन में यूज़ करें तो ब्रांडेड ही लिक्विड यूज़ करें। इससे क्या होता है कि जो फॉग निकलता है उसका जो गाढ़ापन होता है वो काफ़ी अच्छा गाढ़ापन देता है, और लोकल जो होता है जो 100 रुपये 120 रुपये लीटर आता है उसमें आपको उतना गाढ़ापन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए एक बार इसकी टेस्टिंग देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं कुछ डिटेल में। दोस्तों कनेक्शंस यहाँ रेडी हैं, आप देख सकते हैं कि ये XLR इनपुट किया हुआ है मैंने, जो कि ये इसकी केबल है और ये रिमोट कंट्रोल से है जो कि वायर्ड है, और ये जो लगाया हुआ है हमने हब, ये वायरलेस रिमोट के लिए है, और ये इसकी पावर कॉर्ड आती है जो कि इनपुट हो चुकी है। तो चलिए इसका पावर हम ऑन करते हैं। ये पावर दोस्तों देख सकते हैं ऑन हो गया है। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 इंडिकेटर दिए हुए हैं, अभी रेड इंडिकेटर चल रहा है। रेड इंडिकेटर का मतलब होता है कि अभी आपकी जो फॉग मशीन है वो रेडी नहीं हुई है, जब रेडी हो जाएगी फॉग मशीन तो इसी में जो है ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, अभी ये रेड सिग्नल चल रहा है। तो लगभग 2 से 3 मिनट लेती है ये ऑन करने के बाद, उसके बाद ग्रीन सिग्नल आता है, तो फिर हम आपको टेस्टिंग दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा वायर्ड रिमोट है जिसमें कि 2 सिग्नल दिए हुए हैं, रेड और ग्रीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ चुका है, और वो रखी है हमारी फॉग मशीन सामने, आप देख सकते हैं। तो अब इसका टेस्ट करने वाले हैं कि इसका प्रेशर कितना है, आप लोग को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें। आपको वीडियो में लास्ट में इसका प्राइस भी बताएंगे और इस रिमोट से भी हम आपको चला के दिखाएंगे, जो कि वायरलेस रिमोट है, जो कि इसके साथ ही मिलता है ये वायरलेस रिमोट। और ये वायर्ड रिमोट है जिसकी लेंथ जो है वायर्ड की 3 मीटर की होती है। दोस्तों देखिए अभी भी ग्रीन सिग्नल इस पे है, जबकि मैंने दो बार इसको प्रेस कर चुका हूँ। यही इस मशीन की खासियत है कि काफ़ी, एक बार हीट होने के बाद जब इसका हीट हो जाता है एलिमेंट, तो काफ़ी देर तक इसका परफॉर्मेंस चलता है। और
और स्टैन कंपनी की तरफ से आती है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप ब्रांडेड ही सामान लें, जो कि काफ़ी महंगा भी नहीं होता और काफ़ी रिलायबल होता है, काफ़ी दिन चलता है और अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है जब से मैंने इसको परचेस किया है। तो आप इसको बेझिझक परचेस कर सकते हैं और इसकी कीमत जो है वो 4000 से लेकर 4500 रुपये तक देखने को मिल सकती है। तो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए या इसे परचेस करना है। और ये लिक्विड की जो प्राइस है ये 300 रुपये पर लीटर आता है, जो कि स्टैन कंपनी की तरफ से ही आता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को और भी किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, काफ़ी सामान है यहाँ पे, हम आपको सब कुछ वीडियो दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।